Prashanta, I'm coming there. Come, please come. आपका तो शूट कर रहा हूँ। ओ कर 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 मेरा भाई। हंसी पाइप पकड़। कर नहीं, बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा एफर्ट है जो डॉक्टर जाफरान ने किया है कि जो इंडियंस हैं वहाँ पे हमारे, और न सिर्फ इंडियंस बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड को एक साथ जोड़ने की कोशिश है, और पूरा वर्ल्ड सिनेमा, मैंने सुना वियतनामी फिल्में भी आई हैं और एशियन फिल्में भी आई हैं, तो उन सबको इंडिया और एशिया को अमेरिका से कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा एफर्ट है, और हाँ हाँ बहुत अच्छा एफर्ट है और ऐसा प्रयास चलता रहे। जी मैं मैडी भाई को मैं सारा खड़ूस के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दुआएं देता हूँ कि फिल्म जो हो वो बहुत बड़ी हिट हो। मैंने फिल्म देखी है और बहुत ही अमेजिंग काम किया है रितिका ने भी, मैडी भाई ने भी, बहुत ही अमेजिंग, और जाकिर भाई, जाकिर हुसैन ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, और इस तरह की महिला प्रधान फिल्में जो हैं वो बनते रहनी चाहिए, और उसका असर दिख रहा है कि आज आप देखेंगे कि जैसे साइना नेहवाल और सानिया मिर्ज़ा को जो पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, जो 30 आई थिंक थर्ड तीसरी रैंकिंग पे होता है वो उच्च नागरिक, तो वो मिला है और बहुत बड़ी बात है कि कहाँ आज से कुछ साल पहले लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी और आज इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का वो कंपटीशन फेस कर रही हैं और जीत रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने उन्हें हमारी लड़कियों को किसी ने छूट दे दी हो कि हाँ जीत जाओ, नहीं, किसी ने वो नहीं, अपने पावर से वर्ल्ड के नंबर 1 नंबर 2 लड़कियों से मुकाबला कर रही हैं और जीत रही हैं, और जैसे इंडियन बैडमिंटन और इंडियन टेनिस को वो जिस हाइट तक ले गई हैं वो सैल्यूट के काबिल है। नहीं, बहुत ही अच्छा प्रयास है कि हर तरह की फिल्में, और सबसे बड़ी बात कि हमारी फिल्में आज सिर्फ देश के अंदर ही तक सीमित नहीं है, वो अमेरिका तक उसमें वो चल रहा है, सिलिकॉन वैली में ये है, तो वहाँ पे जो हमारे जो देश के लोग हैं वो कनेक्ट हो पाएंगे, और ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ जैसे फिल्में रिलीज़ होती है वहाँ तो यहाँ पे 6 महीने बाद आती है, यहाँ पे होती है तो वहाँ पे 6 महीने, ऐसे नहीं, डायरेक्ट कनेक्ट है ये, और बहुत अच्छा एफर्ट है, और दोनों मुल्क भी करीब आएंगे इस एफर्ट से, तो बहुत ही अच्छी चीज़। तो जब मतलब मैं पूना में था जब मैंने नेशनल आर्काइव था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने एक फिल्म देखी थी कम एंड सी, एक रशियन फिल्म है,
तो वहाँ से मैं दीवाना हो गया था वर्ल्ड सिनेमा का, तो मैं देखता रहता हूँ और बहुत अच्छा नहीं नहीं रीमेक भी ना बने, रीमेक बने ना बने, लेकिन इंस्पिरेशन के तौर पे भी लिया जा सकता है। और इंस्पिरेशन वो होती है जिसमें आप किसी का अच्छा काम देख के अपनी ओरिजिनलिटी को सल्यूट करते हो, उसे खोजते हो। इंस्पिरेशन का मतलब एकदम से उठा के वही नहीं बना देना, मतलब कि इंस्पिरेशन का मतलब है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को तलाशें। डॉक्टर जाफरान को और फोक को आप क्या देना चाहेंगे? डॉक्टर जाफरान और फोक को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का प्रयास जो है वो सैल्यूट के काबिल है, और आप इस तरह से प्रयास करते रहे और पूरा बॉलीवुड, पूरा इंडिया आपके साथ कनेक्ट होता रहे। शुक्रिया। और बारीकियां अभी बाकी रह गई है? नहीं, कमी कुछ नहीं है यार, बस अच्छे आइडिया को सल्यूट करने वाले अगर थोड़े तादाद बढ़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। जी जी। अच्छा तो सभी कर रहे हैं। आपके आने वाले कुछ नजर आ रहे हैं? अभी कुछ नहीं, अभी मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ और कुछ अलग की तलाश है। हाँ, देख रहा हूँ, देखता हूँ अगर अगर तो कौन पूछ रहे हैं जी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर जाफरा जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है। फॉग, ये जो फेस्टिवल ऑफ ग्लोब है सैन फ्रांसिस्को का, सिलिकॉन वैली का, ये एक बहुत ही जाना माना नाम बन रहा है अब फेस्टिवल्स में, एंड आई एम ग्लैड दैट इंडिया इज़ पार्ट ऑफ इट। इंडिया, चाइना, नेपाल, एक्टर्स ऑस्ट्रेलिया से एंड अमेरिका से, सब लोग एक ही, सबको एक स्टेज मिल रहा है फिल्म्स करने का। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई फील कि दिस शुड गो ग्रेट, दिस विल गो वेरी बिग। फिल्म फेस्टिवल का नाम सुनते ही आपको कोई भी आपने फिल्म देखी हो फिल्म फेस्टिवल जो आपको बहुत याद आती है, उसके बारे में आपका आइडिया शेयर करना चाहते हैं? जी, फेस्टिवल्स में मैंने अभी ऑफ लेट चौक एंड डस्टर देखी थी, देखी है जो रिलीज हुई है, एंड चौक एंड डस्टर आई बिलीव फॉग में भी गई है, ये सैन फ्रांसिस्को फेस्टिवल में होकर आई है, एंड इट्स गॉट रेविंग रिव्यूज ओवर देयर। जूही चावला, शबाना आजमी दोनों का काम, ऑब्वियसली बात है, मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छा था, बट द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म इज ऑल्सो वेरी गुड, सो दैट हैज रियली, आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ अ फिल्म इज व्हाट अ फेस्टिवल फिल्म इज। बीइंग अ पार्ट ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जी, किस तरीके से डॉक्टर जाफरा को आप वेलकम करना चाहेंगे? बिकॉज जिस तरीके का इनिशिएटिव लेकर इंडिया आए हैं, जी, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात जी। बीइंग अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, बीइंग अ हिंदी एक्टर, आई वुड रियली वेलकम डॉक्टर जाफरा की, यू नो, वेलकम टू इंडिया, कि आप ऐसी एक चीज़ लेकर आए हैं, एक ऐसी अमेलगमेशन जहाँ पे अमेरिकन एक्टर्स, इंडियन एक्टर्स, ऑस्ट्रेलियन एक्टर्स, नेपाली, चाइनीज़, जापनीज़, ये सब एक्टर्स एक ही स्टेज पे, एक जगह पे मिलके कल को आगे जाके काम करेंगे, आगे जाके फिल्में करेंगे। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जी जी, डायरेक्ट इश्क आ रही है 19 फेब को, और ये एक बनारसी देसी लव स्टोरी है, ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जो कि बनारस में बेस्ड है, और मैं इसमें बिक्की शुक्ला प्ले कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत ही देसी लड़का है, गुंडा है, और कैसे इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा मसाला, बहुत सी एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी 19 फेब को। आप रियल लाइफ में कितने बड़े बिक्की शुक्ला हैं? जी, रियल लाइफ में मैं विक्की दुग्गल हूँ, टिन्नी दुग्गल हूँ एक्चुअली, मैं निकनेम इज टिन्नी। तो रजनीश दुग्गल असली में बहुत ही अलग है बिक्की शुक्ला से, क्योंकि बिक्की शुक्ला एक गुंडे हैं और मैं एक थोड़ा सा शरीफ आदमी हूँ, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जी, क्या कमेंट करना चाहेंगे? इतनी वल्गर पिक्चर बनाने का क्या राज है उनका, वो बताएं, उनके साथ भी आप रहे हैं? जी, आप देखिएगा क्या ओपनिंग मिलेगी, फिर आप बताइएगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस ऐसी है कि मतलब आप अपने परिवार को, अपने जी नातेदार रिश्तेदार को ले जाके दिखा जी, ये मैं कह रहा हूँ जी। आई थिंक अभी इनफैक्ट सनी और मैं एक और फिल्म कर रहे हैं, बेईमान लव, हमने ख़त्म कर लिया, तो वो अप्रैल में रिलीज़ हो रही है, सो आप वो देखिएगा, फिर आप शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछें, क्योंकि वो बिल्कुल भी उस टेंजेंट पे नहीं है, उस एंगल पे नहीं है, तो टोटली एक एक्टर पे डिपेंड करता है किस टाइप के आप चॉइसेस कर रहे हैं, एंड कई बार आप वो भी करते हैं जो जिस चीज़ से आप नोन होते हैं, तो आपको वो, जैसे मतलब आज भी शाहरुख खान एक रोमांटिक फिल्म करते हैं क्योंकि उसके लिए वो नोन है,
तो सनी एक हॉट फिल्म करती है क्योंकि उसके लिए वो नोन है, तो आई थिंक वैसी चीज़ ऑब्वियसली करेंगी। रजनीश, अब तक जितने भी फिल्में आपने की है उसमें एक अलग ही किरदार रहा है आपका जी, मगर जो डायरेक्ट पेश कर रही है उसमें आप बहुत ही अलग और बहुत अलग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रजनीश दुग्गल का, अगर जी, जी। तो कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको विक्की शुक्ला बनने के लिए? जी डेफिनेटली, ये रोल इनफैक्ट मैंने लिया ही इसलिए था, मेरे को उन्होंने दूसरा रोल ऑफर किया था जो एक बहुत ही शरीफ लड़के का था जो बॉम्बे से आता है, कबीर वाजपेयी का, जो अर्जुन बिजलानी प्ले कर रहे हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अगर आप मुझे दूसरा रोल देते हो वो गुंडे वाला विक्की शुक्ला वाला तो मैं ये फिल्म करूँगा। एंड देन ऑब्वियसली मैं राइटर के साथ करीब एक डेढ़ महीना मैंने स्पेंड किया, उसके बाद हर छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं रोल की, बॉडी लैंग्वेज हो गई उसकी, बात करने का तरीका हो गया उसका, उठने बैठने का, हंसने का, पान चबाने का, यहाँ तक कि हंसने का, पॉजेज लेने का, ये सब तरीके, सब छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया गया है, और उसका इनफैक्ट एक्शन भी उस पर भी काम किया गया है, तो बहुत बहुत ही कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा ऑडियंस को। एंड ये एक मतलब ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि आई वांटेड टू आल्सो ब्रेक दैट एंटायर इमेज ऑफ अ वेरी सॉफ्ट रोमांटिक हीरो, सो इसमें आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू, क्योंकि अब मैं खुद प्रोड्यूसर बनी हूँ, सो बहुत अलग है, बहुत हैक्टिक, बहुत दिमाग पे बोझ रहता है आप प्रोड्यूसर बन